कर्नाटक के हुबली से एक हैरान करने वाली खबर है, लव जिहाद का एंगल बताने वाली खबर है। एक लड़की नेहा जिसको 7 बार चाकू मारी गई कॉलेज कैंपस में, उसके दोस्त ने बताया जा रहा है जिसका नाम फयाज है, मौत हो जाती है नेहा की। पिता कांग्रेस के हुबली में पार्षद है। अब पिता का आरोप है कि फयाज नाम के शख्स ने लव जिहाद करने की कोशिश की, उनकी बेटी को प्रपोज किया, जिसके बाद नेहा ने उसको मना कर दिया और मना करने का ये नतीजा निकला कि फयाज ने कॉलेज कैंपस में 1 बार चाकू से वार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 7 बार वार किया। जब तक नेहा की मौत नहीं हो गई तब तक वो हमले करता रहा। आज इस स्टोरी पर तमाम एंगल खंगालेंगे, अपने सहयोगियों से बात करेंगे कि क्या हुबली की ये घटना लव जिहाद है, क्या इस स्टोरी में क्या एंगल था, क्योंकि कांग्रेस पार्षद का कहना है कि लव जिहाद है, कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि नहीं, लव जिहाद वाला कोई एंगल नहीं है, दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, ये आम घटना जैसे है, आरोपी पकड़ लिया गया है। लेकिन लड़की के जो पिता है निरंजन हेरेमथ, जो पार्षद है कर्नाटक के, उन्होंने कहा है कि जो आरोपी फयाज है उसको फांसी देनी चाहिए, जिस तरीके से उनकी बेटी की मौत हुई है, निर्मम हत्या की गई है, उसके तहत उनको, उस लड़के को जिसने ये काम किया है, उसको फांसी देनी चाहिए, ताकि कोई और लड़का, कोई और लव जिहाद के तहत किसी अच्छे घर की लड़की को फंसाने की कोशिश ना करे, और फिर वो अगर 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 बातचीत भी कर रही हो, अगर वो मना करती है, तो इस तरीके की घटना ना हो। हमारे साथ तमाम लोग हैं, आइए लोगों से बात करते हैं। अदिति हमारे साथ हैं। कर्नाटक की घटना को क्या आप लव जिहाद मानती हैं? नहीं सर, लव जिहाद जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट का भी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन ये घटना लॉ एंड ऑर्डर की है, नो डाउट। ऊपर से कॉलेज जो प्रशासन है वो क्या कर रहा था, वहाँ की सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे कॉलेजेस में भी सुरक्षा के इंतजाम है कि नहीं। और दूसरा कि कहीं ना कहीं ये जो वारदात है, ये उससे जुड़ी हुई है, सीधे तौर पर पर्सनल रंजिश थी ये उस लड़के की। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि लड़का उसको पहले से जानता था, उसने प्रपोज किया, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी उसने रंजिश निकाली। लेकिन उसके पिता ने जैसे लव जिहाद का आरोप लगाया, तो इससे केस डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि बात इंसाफ की होनी चाहिए, केस को इधर उधर सियासी एंगल नहीं देना चाहिए, क्योंकि चुनाव भी है। सियासी एंगल मत दो, सरकार पे सवाल उठ सकते हैं आपकी कानून व्यवस्था को लेके, कि डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कोई, तो ये भी ज़रूरी है कि कानून ऐसा हो, पुलिस ऐसी हो कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि अगर हम कुछ भी करते हैं, किसी पे भी हाथ उठाते हैं, तो हम पर अच्छा खासा एक्शन होगा। तो क्या जो मांग कर रहे हैं फांसी की, क्या आप भी मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर वो प्रूफ होता है, उस पर आरोप प्रूफ होता है, तो चाकू मार रहे हो, चाकू मार रहे हैं, उसकी हत्या कर दी, उसको मर्डर कर दिया, जो हमारे सामने विजुअल फुटेज और रिपोर्ट्स आई हैं, जो पुलिस बोल रही है, तो क्यों ना फांसी हो, जब उसने मर्डर के बदले फांसी, इसमें सियासी एंगल भी है, तमाम चीज़ें भी हैं। अपने साथ आरिफ भाई हैं। आरिफ, आपने हुबली की घटना देखी होगी, उसमें लव जिहाद का एंगल बता रहे हैं, लव जिहाद क्या ये सियासत है? जाहिर सी बात है, ना तो है, घटना सबके सामने है, लेकिन क्या लव जिहाद का एंगल था या पहले से जानते थे? देखिए, लव जिहाद का एंगल तो मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि लव जिहाद इज़ अ फेक न्यूज़। मतलब मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर ऐसा कोई संगठन चल रहा है जो इस तरह से कोई कुछ मुहिम चला रहा हो लव जिहाद जैसी। ये पर्सनल मामले हैं, ये यूनिक मामले हैं, अपने अपने तरह के मामले हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, लोग साथ में रहते हैं, तो उनके लव अफेयर वगैरह होना एक बहुत लाजमी बात है। तो ऐसा कुछ ये इसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ, लव जिहाद जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे ख्याल से। हाँ, ये है कि एक क्राइम हुआ है,
और क्राइम से डील करने के लिए हमारे पास कैपेबल लॉज हैं और कैपेबल लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो भी अपराधी है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए मामले में। दूसरी चीज़ है कि हाँ, जाहिर सी बात है, देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के अंदर जो है अगर इस तरह की दो कम्युनिटी को लेकर इस तरह का कोई मामला आता है तो देर आर एलिमेंट्स इन अवर सोसाइटी, देर आर एलिमेंट्स इन अवर पॉलिटी जो कि इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो ये है। जी जी, अनन्या के पास चलेंगे, अनन्या के पास आइए, अनन्या के पास चलते हैं। हाँ, आप ही आ जाइए क्योंकि बहुत लंबी दूरी है, तय करने में टाइम लगेगा। तो अनन्या, ये हुबली वाला मामला क्या देखिए, जो जिस तरीके से वार हुआ, हमला हुआ, उसकी मौत हुई, वो तो अलग है, लव जिहाद क्या है, सियासी रंग देने की कोशिश है? अब मुझे लगता है कि देखिए, इलेक्शन है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह का मामला सामने आया है मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की का, तो इसे सियासी रंग देने की तो पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन सियासी रंग देना नहीं चाहिए। इस मामले को आप ऐसे समझिए कि आप सोचिए कि एक एमएससी की स्टूडेंट है मुझे लगता है, और उसे एक लड़का चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर देता है, तो इस मामले को लेकर जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की भी बनती है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएँ सामने ना आए, क्योंकि वो कांग्रेस का पार्षद है जिसकी बेटी के साथ ये हुआ है, तो सियासी रंग नहीं होना चाहिए। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे में, या जो वहाँ की लोकल पार्टीज है वो इस पर लव जिहाद को लेकर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सब से हटकर इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए, कॉलेज प्रशासन की जवाबदेही होनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि उस लड़के को जो फांसी की मांग की जा रही है उसको सजा जरूर होनी चाहिए, दोषी की मुझे लगता है जांच की क्या, जब आपको सामने चीजें दिख रही हैं और वो चाकू मारते हुए दिख रहा है, और ये समझने की जरूरत है, मुझे लगा पूछताछ भी होनी चाहिए कि आखिरकार इस तरह से निर्मम हत्या कोई कैसे कर सकता है। हालांकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इस मामले को लेकर गंभीरता से जाँच होनी चाहिए। आप हुबली वाली घटना आपने देखी नहीं देखी? एक लड़का एक लड़की को, अब वो पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं एक दूसरे को, चाकू से कॉलेज कैंपस में उनकी हत्या कर देता है। एंगल में ले जा रहे हैं कि ये लव जिहाद है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है कि ये लव जिहाद है। अब लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, और आई थिंक उसके पापा शायद कांग्रेस में भी कुछ नेता वेता हैं, तो अभी तो कुछ प्रूफ नहीं हुआ है कि ये क्या। वीडियो तो है सामने मारते हुए चाकू। सर, अब क्या कह सकते हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड था या फ्रेंड था या उसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया था या नहीं किया था? चलिए, तमाम राय हैं, तमाम लोग हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ आशीष हैं, आशीष जो है बहुत इस सब खबरें बहुत अच्छी तरीके से मतलब देखते हैं, बनाते हैं, खबरों में घुस जाते हैं। क्या हुबली वाले मामले में आरोपी के लिए क्या सज़ा है आपके नज़रिए? सज़ा तो उसे कानून देगा, लेकिन अभी जैसे बात चल रही है लव जिहाद को लेकर, तो ये मामला चुनावी है, चुनाव का मौसम है, ऐसे में लव जिहाद का एंगल देने की कोशिश की जा रही है। इनकी पुरानी रंजिश थी, और लेकिन अब मौसम चुनाव का है तो लव जिहाद का मामला देंगे तो वोट पोलराइजेशन, यही मसला है। कर्नाटक में वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में अली बजरंग बली के नाम पर खूब सारे वोट मांगे गए, लेकिन वो तमाम चीज़ें अलग हो गई हैं। हमारे साथ कमलकांत हैं, आरुषि हैं, पहले आरुषि के पास चलते हैं। आरुषि, ये कर्नाटक वाला मामला आपने देखा होगा। जी सर। लव जिहाद का एंगल देना ठीक है? अगर ठीक है या फिर नहीं ठीक है, तो आरोपी के लिए क्या सज़ा आपके लिए होनी चाहिए? मैंने इस पूरे मुद्दे पे आदित्य को सुना था, वो फांसी की मांग कर रही थी, और मुझे लगता है कि लव जिहाद का एंगल इसको नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो इतना आम हो गया है चाकू से किसी को भी रौंद के चले जाना, ये चीज़ गलत होनी चाहिए, इसे प्रशासन को एक्ट लेना चाहिए और फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने खबर को देखा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। सवाल ये है कि कई राज्यों में ऐसी खबरें आती हैं, अभी नोएडा में भी ऐसे एक नादार यूनिवर्सिटी में ऐसी ही खबर आई थी जहां पर लड़की को कॉलेज कैंपस में मार दिया गया था, वो लड़की कानपुर की थी। तमाम राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन जब सियासी एंगल देना होता है तो उसमें लव जिहाद वाला एंगल सामने आ जाता है। अब ये लव जिहाद है, देखिए आरोपी तो सामने सामने दिख रहा है कि उसने चाकू मारी है, आप इसे लव जिहाद के तहत सज़ा की मांग करते हैं या क्राइम के तहत एक 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 अपराध हुआ है उसके तहत आरोपी के लिए सज़ा मांगते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। नमस्ते।